प्रशासन है तानाशाही इतों लोग बाहर के लोग आइए जम्मू कश्मीर के उपर दबा करते चाहे प्रशासन हो चाहे बाहर का समाज बाहर जाइए धरना लाओ सारे पुलिस स्टेशन के बाहर धरना लाओ आओ मैडम जी क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम मैं कमेंट करी मेरे मेरे हस्बैंड उठा के लेके गए नजायज नहीं जायज की थी ना सारे ना नजायज नहीं की थी गलत की था सारे ना ने आई अपने हक का ले लड़ रहे हैं आ हिंद ना कोई बदतमीजी नहीं की थी इन्होंने सारे ना बदतमीजी की थी लेडीज थे पुलिस वाले ने हाथ चुके हैं और ले इतना लोगों को मारे है कोई गलत की था आई अपने हक का ले लड़ लिया जिसले सारे करी वोट मंगन आते हैं फिर हाथ जोड़ जोड़ के वोट मंगते हैं तो हूँ सारे ले जिले अपने हक का ले लड़े हैं हूँ कितने गई सरकार
जनता दे इंसाफ वास्ते बोलने वाली सरकार। अपने एक मिनट पहले कहा कि साइड पर आ जाओ, हम एडीसी साहब को बुला रहे हैं, आप जहाँ पे मुकर रहे हैं तो बाद में हमारे लिए क्या करोगे? जो गरीब जनता जो बेचारी भूखी प्यासी जहाँ पर आ रही है, यही हमारे साथ होगा धोखा ही। मां सानू पुलिस साड़ी सानू मारन लगे दे। पुलिस आने नहीं मारे, हम मुड़े का खून किना कड़िया है, है एक कोई तरीका थोड़ा है कोई, ये जे तुही आही करा तो सारी दुनिया वास्ता करा रहे, कल्ले वास्ता थोड़े करा नहीं। कल मुड़े कि मुड़े की बांह खूनो खून करती, सारी पुलिस सानू मारा दी। नहीं लगने चाहिए, अस गरीब जनता अपनी रोटी करनी पूरी जी किराए देना, हाँ बच्चा पढ़ना लिखना के कर सकने अस, है सारा बारा हम इन्ने इन्ने पैसे उन्हें बिल बनाए होंगे ने, कुछ देना अं पैसे गरीबों लोगों रोटी करनी चाहिए, सारे को मुलाजम तो है नहीं कोई, जिन्हें अं के नाम देना पैसा खुला साढ़े को पाई तो जिंदों को खुला पैसा है वह तो देंगे ना, अं गरीबा कुछ देने जिन्हें लोगों जूठे भांडे मांजने, कोई नहीं सुनाई करता ना, कोई नहीं सुनवाई होगा दी तो वोट लेने सारे ही तो सारे क्या पैरो वोट दियो पैरो वोट दियो थोड़े पैर बंधनिया ना ना कोई नहीं है मीटर शुरू करी दूए मीटर पहले लाए सारे मल्ले पुलिस लाइन मल्ले लाई थे और कुछ बजार मीटर नहीं लगे सारे मल्ले मीटर लगे अपने पले लाए गवर्नमेंट
ये सारे गरीब लोग आए जिन्हें आप सारे सारे आए लोग आए सब गरीब लोग ये मुलाजमन सारे लोग 12 साल मोदी ने केड़ा नौकर कराया तो क्या हाल है सारे लोग जो जाते हैं तो वह चोरी सारा के बनाया हद तो चौपड़ी साल मारा पाउंडे जिया नहीं बड़े मुश्किल से राशन भी सानू 7 महीने का महाराज दिता है सानू कोई भी नहीं मिले आते अज देखे कल देखे अगले महीने ले लिया 3 महीने ले लिया सानू थोया किलो चौल ते 12 बड़िया कणक सानू थोआ दी है ते असें नहीं ये मीटर नहीं असें लगन देना ते नहीं किस ये लाइए जबरदस्ती लगन भन्नी है वोट मंगना है भैन जी वोट दो अस थोड़ा ये बनागे थोड़ा ये बनागे तो हून नहीं तुप्पा दा कोई भी असेंगी हून कोई नहीं तुप्पा दा हून नहीं असें भैन जी लब्भा दी कोई भी आंटी उंटी कोई नहीं हून कुद्धर गई आंटी है हून बदतमीज बोला दे पुलिस आह्ले एह् क्या बोला दे ये इंदा क्या फर्ज है बोलने ये मुड़े की मारा पवा देना है जेहड़े मीटर लगा देना उंदे आस्तै लगा उन्हें बंद करना चाहिदा जेहड़े आम मीटर जेहड़े लगा देना वो ठीक है चलो 200-400 रुपया कड्ढी सकदे महीने का लेकिन ये थोड़े 5-5 हज़ार रुपया उन्हें महीने कुत्थे कड्ढिए फड़ी है साढ़े इत्थे बड़ी मुश्किल होती फड़ी है सर यही जो गल है स्मार्ट मीटर लगा देना ये बंद कर दो और सारी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया और प्रशासन ने डंडे के जोर पर स्मार्ट मीटर लगाए गए लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन कल सरकार बन जाएगी पहले जहां पर अंग्रेजों का राज था एलजी प्रशासन जहां पर था कल सरकार बन जाएगी और जिस तरह से लोग रोडों पर हैं और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो पावर लोकतंत्र में वोटों की ताकत होती है आज वोटों की ताकत से एमएलए असेंबली में पहुंच चुके हैं सरकार बननी जा रही है मुझे विश्वास है कि जिस तरह का लोगों का विरोध रोडों पर है स्मार्ट मीटर जो हैं जो लगे हैं वो भी नालियों में फेंके जाएंगे और जो लगने वाले हैं वो नहीं लगेंगे बहुत परेशानी है हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस कर्मी उसमें महिला एक साथ भी नहीं थी तो हमको धक्का दे रहे थे नीचे कुचल रहे थे ये महिला प्रशासन कहाँ थी हम ये स्मार्ट मीटर की मांग कर रहे हैं ये हमारा राइट है लेकिन ये हम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस हम पर लाठियां बरसा रही है ये हम नहीं चलेंगे नहीं चलने देंगे हम बंदा कमाने वाला है वो 8 जने खाने वाले हैं 700 रुपया दिन का लेते हैं तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे मीटर का बिल देंगे कि बच्चे पढ़ाएंगे जो औरत का खर्चा उठाएंगे उधर घर में बुजुर्ग भी है कुछ बीमार है कुछ ठीक है खर्चा हम मीटर का बिल देंगे हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे हमारे घर में 8-15 सदस्य है एक मीटर के साथ हम घर चलाएंगे कि अपना बच्चे पालेंगे कि उनको पढ़ाएंगे हमारा इतना खर्चा नहीं है कि हम मीटर घर में बिल दे सके उनका जब से जय सरकार आई है हमारे कहते हैं गरीबी मिटाएंगे गरीबी मिटा नहीं रहे हैं गरीब को ही खत्म कर रहे हैं हम वोट देते हैं हमारे लिए अच्छा करने हैं लेकिन अच्छे के बजाय हमारा और बुरा किया जा रहे हैं जब से आए हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे नशे में डूबे जा रहे हैं पढ़ने के बजाय ना उनको नौकरियां हैं ना उनके लिए कोई बिजनेस है सीधी तरह जो है नशे ही नशे है उनके लिए तो हम स्मार्ट मीटर के बिल कहाँ से देंगे हम पहले ही लोगों के घर में झाड़ू लगा के अपने बच्चे पाल रहे हैं हमारा इनके साथ कोई बात नहीं हमें यही है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर जो लगने जा रहे हैं उसका लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि स्मार्ट मीटर जो है वो कठुआ में नहीं लगने चाहिए और जो हमारे पुराने मीटर हैं जिस तरह से हमसे बिजली का बिल लिया जा रहा था उसी तरह से बिल लिया जाए ये जो विरोध है स्मार्ट मीटर को लेकर के है वो केवल मात्र जम्मू कश्मीर में नहीं है वो तो कई प्रदेशों में हो रहा है बिहार में हो रहा है कई जगह हो रहा है तो लोगों को आशंका है कि ये सरकार ने जो जो मीटर इंट्रोड्यूस किए हैं ये मीटर जो हैं वो तेज़ी से चलते हैं बहुत ज़्यादा बिल बना देंगे और बहुत सारी लोगों को तकलीफ़ देंगे खास करके गरीब लोग जो आगे ही डिफॉल्ट में हैं और उनको आगे बड़ी तकलीफ़ होने जा रही है तो हमारी मांग है कि सरकार जो है वो इसको सस्पेंड करे और अब तो नई सरकार बनने जा रही है नई सरकार ने हमें 200 यूनिट बिजली देने की भी बात की है उन्होंने स्मार्ट मीटर हटाने की बात की है तो हम तो कल वाली जो सरकार बनने जा रही है हम उनको पहले तो मुबारकबाद भी देते हैं उनका शुक्रिया भी करेंगे वो तमाम इन गरीबों की बात को समझते हुए ये जो मीटर का जो प्रोग्राम है इसको बंद करें और जैसे उन्होंने कमिटमेंट किए हैं जैसे उन्होंने विरोध किया है हम उसी विरोध के साथ हैं और स्मार्ट मीटर यहाँ नहीं लगना चाहिए और नहीं लगना चाहिए कि गरीब जनता पर जो बोझ हम नहीं लगने देंगे अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच ने पहले दिन से आवाज़ उठाई है और प्रशासन को भी चेताया है कि हम 15 तारीख को जो है वो रोड जाम करेंगे और हमारी जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी आकर हमसे बात करे और आश्वासन दे कि ये स्मार्ट मीटर है जो कठुए में हम नहीं लगने देंगे।